आज सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अज़र नियाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज 31 दिसंबर 365वां दिन है साल का। साल के ख़त्म होने में दिन बाकी नहीं है, महज कुछ घंटे बाकी हैं। आज रात 12 बजे से नए साल का आगाज़ हो जाएगा और नए साल की आमद पर हम खुश होते हैं, लेकिन इस मर्तबा ये भी सोचिएगा कि जो साल गुज़र गया उसमें हमने क्या कमाल दिखाया जिस पर आज हम खुश हो रहे हैं, और क्या नए अज़ायम हैं जिस पर हम खुश हो रहे हैं। आज 31 दिसंबर है और इस दिन क्या हुआ, आइए माजी के दरीचों से झांकते हैं। 31 दिसंबर 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मलका बरतानिया ने चार्टर दिया कि जाओ जाकर इंडिया में तजारत करो। 31 दिसंबर 1695 इंग्लैंड में विंडो टैक्स लगाया गया, घरों की खिड़कियों पे टैक्स लगाया गया, जितनी ज़्यादा खिड़कियां होंगी उतने ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और अभी भी अगर आप इंग्लैंड में जाएं और ख़ास तौर पर लंदन में पुरानी इमारतों को देखें तो उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ बंद की हुई आपको नज़र आएंगी, और उसकी वजह यही थी कि उन खिड़कियों को बंद कर दिया अहले मकीन ने ताकि टैक्स कम देना पड़े। कुछ खिड़कियाँ उसकी नज़र आती हैं कि उनमें लगी हुई हैं विंडो और बाकी बंद कर दी गई। क्वीन विक्टोरिया जो थी उसने जी 31 दिसंबर 1857 को जो ओंटारियो है इसको ओटावा ओंटारियो को कनाडा का कैपिटल बनाया, और 31 दिसंबर 1879 को ये बड़े ज़बरदस्त दिन है जी, थॉमस एडिसन ने पहली मर्तबा दुनिया को दिखाया कि ये बल्ब होता है। और 31 दिसंबर 1923 को बीबीसी ने पहली मर्तबा बिग बैन जो है उसकी आवाज़ को एयर किया, ब्रॉडकास्ट किया। और इसके बाद जनाब 31 दिसंबर 695 बर्थडे है मोहम्मद बिन कासम की, सीरियन जनरल जिसकी वफात हुई 715 में। और 31 दिसंबर 1930 बर्थडे है इस्माइल पाशा की, गवर्नर ऑफ इजिप्ट, मिस्र का गवर्नर था ये, और इसकी वफात हुई 1895 में। 31 दिसंबर 1904 बर्थडे है उम्मे कुलसूम की, मिस्र की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जिसको अगर आप यहाँ कंपेयर करना चाहें तो लता कह लें या नूर जहाँ कह लें, सही। लेकिन उसने अरबी के नशीद और बहुत बहुत ही खूबसूरत। 1934 पाकिस्तान के एक इस्लामिक स्कॉलर हैं अकरम आवान साहब, ये नक्शबंदिया सिलसिले के इस वक्त रहनुमा हैं, बुज़ुर्ग हैं, पीर साहब हैं, इनकी भी बर्थडे है। और इनका मानने वाले पाकिस्तानी ये हैं, लेकिन इसके मानने वाले इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी गद्दी और एक बड़ा सिलसिला है इनका, अकरम आवान साहब बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन इनमें से जो मैंने इंतखाब किया है इन सारी उसमें से वो हैं मोहम्मद बिन कासम का, कि मोहम्मद बिन कासम के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। मोहम्मद बिन कासम जो हैं वो 31 दिसंबर 695 को पैदा हुए और जुलाई 715 यानी 18 जुलाई 715 को इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद बिन कासम ने 17 साल की उम्र में सिंध को फतह किया, 17 साल। अगर आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो यूनिसेफ कहता है कि 18 साल तक बच्चे होते हैं, मतलब जो डेफिनेशन ऑफ द किड इज़ कि 18 ईयर तक बच्चे होते हैं। तो इन्होंने 17 साल के उसमें जनाब सिंध को फतह किया और पंजाब के कुछ हिस्सों को भी फतह किया। मोहम्मद बिन कासम जो हैं वो ताइफ़ का रहने वाला था। आपको मालूम है कि सफ़र ताइफ के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि आपकी एड़ियों तक खून बहने लगा। आपके एक इशारे का मुंतज़िर जिब्राइल ताइफ़ को नेस्त व नाबूद कर देता, लेकिन रहमतुल आलमीन ने उस वक्त फरमाया हो सकता है इनकी नस्ल में से कोई लोग हों जो ईमान ले आए। मोहम्मद बिन कासम ताइफ़ का रहने वाला था। आज हिंदुस्तान जो मुसलमान हैं वो इसी 17 साल नौजवान के मरहून मिन्नत हैं। तकरीबन इस्लाम को अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में कब फैला, तो तभी फैलना शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन कासम ने अपने कदम यहाँ रखे। उस वक्त बनी उमिया की हुकूमत थी, अब्दुल मालिक उमवी जो था इब्न मरवान वो उस वक्त खलीफा था, और मोहम्मद बिन कासम भी उस वक्त पर्शिया का गवर्नर था।
पर्शिया उस इलाके को कहते हैं जो आजकल यूँ समझ लें कि ईरान है, और ईरान के बहुत सारे हिस्से और कुछ और हिस्से भी मिलकर उस वक्त की हुकूमत पर्शिया बनती थी। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो उस वक्त कूफा का गवर्नर था, और उसी ने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ भेजा था। इससे पहले भी दो एक मरतबा कुछ और जनरल्स ने ट्राई की, लेकिन हिंदुस्तान को फतह ना कर सके। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि यहाँ के राजा दाहर ने किसी औरत पर कोई जुल्म किया, और उसने एक ख़त जो था वो रवाना किया इस्लामी हुकूमत के गवर्नर की तरफ, खलीफा की तरफ, कि देखें जी एक यहाँ जी जुल्म हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि देखें इस दादरसी के लिए जाना चाहिए, और उन्होंने जो अब्दुल मलक थे उसने हज्जाज बिन यूसुफ से मशवरा किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि एक नौजवान है मोहम्मद बिन कासिम और पर्शिया का गवर्नर है, पहले भी बहुत सारी ऐसी जो हुकूमतों के ख़िलाफ़ कुछ बगावतें हुई थीं, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उनको बहुत कामयाबी से उनको फतह किया था, तो मेरे ख़्याल में मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ भेजा जाए। मोहम्मद बिन कासिम की थोड़ा अरसा पहले ही शादी हुई थी, और उसको जनाब उसके बाद फौरी तौर पर ही उसे कहा गया कि आप जो हैं हिंदुस्तान जाएं और वहाँ इन इस जालम बादशाह का कलाकमा करें। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो वहाँ से, अच्छा अब तक मैं भी यही समझ रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम शायद सऊदी अरब से या कूफा से या ताइफ से चलकर यहाँ आया था, जबकि ये बात मुझे अब मालूम हुई कि वो शिराज में उस वक़्त मुकीम था, और उसकी जो फौजी हैं वो ईरान के शहर शिराज से यहाँ की तल के लिए रवाना हुई थी। ये बात दुरुस्त है कि वो दीबल के किनारे पर लंगर अंदाज हुआ। दीबल को आप कराची कह लें, मकरान कह लें, कुछ इस तरह का इलाका बनता है, लेकिन वहाँ से उसकी फौजें चलती हुई आईं आगे, उसको किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। उस वक्त का जो यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा था वो था राजा दाहिर, और वो रोड में मुकीम होता था। रोड के शहर जो है इस वक्त के नवाब शाह को कह लें, जो नवाब शाह है इस वक्त का, वो रोड जो है वो शहर था। वहाँ मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला राजा दाहर से हुआ। राजा दाहर जो था वो मारा गया, और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। सिंध पर कब्ज़े के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे रवाना होता है और मुल्तान तक पहुँचता है। मुल्तान के बाद उसने यहाँ उसको रुकना पड़ा, और तकरीबन पंजाब के बहुत सारे इलाके, दरियाए सिंध के साथ साथ चलने वाले बहुत सारे इलाके, पूरा सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने उस वक्त फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबी की अगर वजूहात को देखा जाए तो सबसे पहली वजह तो ये है कि मुसलमानों में ईमान की कुव्वत जो है वो थी, कि उन्होंने एक अपने सरदार के कहने पर और अल्लाह ताला के फरमान और जिहाद के मुताबिक जो है यहाँ आकर हमला किया और एक ज़ालम हुक्मरान से निजात दिलाई। दूसरी बात ये थी कि यहाँ जो लोग थे वो भी राजा दाहर के साथ नहीं थे। सही। राजा दाहर जो है वो एक ज़ालम बादशाह था और लोग उससे तंग थे, तो जब लोग तंग हों तो फिर शिकस्त हुक्मरान की वो लाजमी हो जाती है। एक बात और यहाँ कही जाती है जो हमारा आपकी दिलचस्पी की होगी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो उस वक्त जदीद असलह से लेस था। उसकी स्ट्रेटजी जो थी डिफेंस स्ट्रेटजी में चीज़ें आती हैं कि वो उस वक्त यानी मंगोल तोपें थी उसके पास, इस तरह उसके पास जो थी मंजनीक जो हैं वो थी उसके पास, तो ये उस वक्त का जदीद तरीन असलह था। यानी कि डिफेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग था यानी सिर्फ यही नहीं कि ईमान की कुव्वत थी, उनके पास घोड़े, ऊंट, तलवारें, मंजनीक, तोपें, ये सारा असला जो उस वक्त के ज़माने में सबसे जदीद कहा जा सकता था, ये सारे के सारे जो हैं एक बड़ी तादाद फौजियों की वो भी साथ शामिल थी। सही। कि यानी सिर्फ ये नहीं होता कि आप ईमान की कुव्वत लेकर चले जाएं और कर दें, ईमान की कुव्वत के साथ कुछ असबाब भी करना पड़ता है। और इस तरह से उन्होंने उसको फतह किया, और फतह करने के बाद यहाँ ज़कात और जजिये का निज़ाम जो था वो यहाँ राइज किया। और यहाँ के लोग जो राजा दाहर से तंग थे वो मोहम्मद बिन कासिम से इतने खुश हुए कि एक तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान होने लगे, और दूसरा उसको क्योंकि हिंदू थे और बुद्ध थे यहाँ के, तो मोहम्मद बिन कासिम के मुजस्मे बनाकर उसकी पूजा की जाने लगी। अच्छा। और बहरहाल इस बात को
जो मुसलमान हुक्मरान थे उस वक्त, खास तौर पर हजाज बिन यूसुफ जो था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये ना हो कि मोहम्मद बिन कासम हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए और ये हमारी बात मानने से इनकार कर दे। उसको फौरी तौर पर कहा गया कि आप वापस आ जाओ, और उसे वापस बुला लिया गया और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया। और अच्छा, मैंने हिस्ट्री की बुक्स में ये भी वैसे पढ़ा है सर कि हज्जाज बिन यूसुफ के बाद जो हुक्मरान आया था उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ, आई मीन के उसकी और हज्जाज बिन यूसुफ की नहीं बनती थी, सुलेमान का कुछ नाम था उनका, और उसका विक्टिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम को मतलब बनना पड़ा। हाँ बहरहाल, लेकिन जो तारीख अपने अपने असबाब और वाकयात को बयान करती है, लेकिन जो कुछ हुआ वो कौन किसने किस तरह से उसकी बात हुई, लेकिन अगर हज्जाज बिन यूसुफ को भी देखा जाए तो हज्जाज बिन यूसुफ भी कोई बहुत शरीफ आदमी नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो शख्स है जिसने शायद पहली मर्तबा खाना काबा पर किसी अगर हुक्मरान ने चढ़ाई की तो वो हज्जाज बिन यूसुफ था, है ना, जिसने तोपों ने दीवारें हिला के रख दी और वहाँ एक बहुत नेक आदमी, तो गालिबन नाम उसका ताहिर था, ये जी अब्दुल्ला बिन जुबैर थे जिनको फांसी दी गई थी। और ये हज़रत, आपको ये भी बताते चलें कि ये हज़रत अस्मा के बेटे थे जिनको फांसी दी गई थी, और हज़रत अस्मा हज़रत आयशा की, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हो की बहन थी। और कई दिन उसकी लाश खाना काबा के अहाते में वहाँ लटकती रही, और उसकी वालदा जो थी वो नाबीना होती थी। अच्छा। और वो आके पूछती थी कि क्या अभी तक सवार घोड़े पे सवार है, सवार घोड़े से उतरा नहीं, यानी उसकी लाश जो है वो उसको उतारा नहीं गया। तो वाज टेरिबल मैन, बहुत जालिम शख्स था, लेकिन उसके हिस्से में जो एक खूबी आई है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे, वो ये है कि उसने कुरान पाक पर आराब लगाए। अच्छा। जबर जेर पेश चश्म जो हैं वो उस शख्स का कारनामा समझा जाता है, क्योंकि उसने जुबान व बयान पे काफ़ी काम किया, क्योंकि अरब जो है वो तो बगैर जबर जेर के पढ़ लेते थे, लेकिन जो हमारे जैसे, क्योंकि इस्लाम उस वक्त फैलना शुरू हुआ, हिंदुस्तान में चला गया, दूसरी जगहों, तो वो लोग जो है उसको नहीं पढ़ पाते थे। तो उसने फिर एक बुला के सब ये लगाई ताकि दूसरे लोग जो है उससे इस्तफादा कर सकें कि ये इस तरह से जबर का मतलब ये है और इस तरह से उसको पढ़ा जा सके, ताकि वो लहजा जो है बाकी रह सकें। इसके अलावा ये बताते चलें कि हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के चाचा थे, और इसके अलावा हज्जाज बिन यूसुफ जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के फादर इन लॉ भी थे, यानी कि ससुर भी लगते थे। अच्छा, इसके अलावा सर आपको उस मस्जिद के हवाले से थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन है, जो मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में सिंध में आया तो उसने मुसलमानों की आसानी के लिए एक मस्जिद कायम की थी, और उस मस्जिद कि क्या हालत है, ये मैंने कुछ अर्सा पहले न्यूज़ में देखी। करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आता है फ्रंट लाइन, और उसमें कामरान शाहिद, जब सैलाब आया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, बल्कि सैलाब उतर चुका था तकरीबन, तो वो गए सिंध की तरफ गए इलाकों में, तो वहाँ पर कवरेज वो कर रहे थे सैलाब से रेलेवेंट, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई हिंदुओं का मंदिर है और वो वहाँ पर चढ़ावे और इस तरह की चीज़ें जो भी उनके मज़हब में हैं वो दे रहे हैं ताकि सैलाब उतर जाए। तो जब वहाँ गए वो मंदिर उन्होंने देखा, काफ़ी अच्छा वेल डेकोरेटेड था, और फिर लोगों ने बताया कि ये मकामी जो हिंदू हैं इन्होंने ही ख़ुद से अपनी विल से ये सब कुछ तामीर किया है, इसमें गवर्नमेंट या किसी और लोग ने इन्हें हयात नहीं की है। तो वहीं पर फिर इन्हें किसी ने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम की भी यहाँ पर एक मस्जिद मौजूद है, जो जब वो आए और उन्होंने फतह किया तो उन्होंने बनाई थी लोगों के लिए कि जब लोग एंटर हों सिंध में तो वो यहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ सकें। मंदिर काफ़ी अच्छा था, बड़ी डिटेल में कवरेज उसकी उन्होंने दी, सब कुछ दिखाया अंदर से जाके, और फिर वो जब मोहम्मद बिन कासिम की मस्जिद की तरफ गए तो उनका कहना था कि मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर मंदिर मकामी लोग इस तरह से कर सकते हैं, अकलियतें जो हैं, तो हमारे इस इस्लामिक मुल्क में उस मस्जिद को तो शानदार होना चाहिए, और फिर उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। और जब वो वहाँ पर गए और वो मस्जिद दिखाई तो वो खंडरात के सिवा कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक दीवार नज़र आ रही थी। उसका दरवाज़ा कहाँ से है, मस्जिद शुरू कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है, किसी को पता ही नहीं, लेकिन सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मस्जिद का इमाम वहाँ मौजूद था, मतलब इमाम है और कुछ भी नहीं, मट्टी ही मट्टी है। और फिर कामरान शाहिद जो उसके मेहज़बान थे उन्होंने उसको साफ़ किया, मस्जिद को, वह नमाज़ पढ़ी, सजदे दिए, और वेल दैट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम। अगर कोई देखना चाहे इस प्रोग्राम को या उस मस्जिद को, तो आप अगस्त या सितंबर की जो एपिसोड्स हैं फ्रंट लाइन की, आप उसमें देख सकते हैं।
ये एक मस्जिद पर ही नहीं मौकूफ है, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। ये हम जो हैं ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में कौन सी खाली जगह है जहां मस्जिद तामीर की जा सके, CDA से मिलकर, दूसरे कंटोनमेंट बोर्ड से मिलकर, और वो आप ये देखें बेशुमार सरकारी जगहों के ऊपर मस्जिदें तामीर होना शुरू हो गई हैं, हो रही हैं, उसके साथ जगह भी मिल जाती है, मदरसा भी बन जाता है। मैं इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक जिम्मेदारी जो है कि अपने वर्षा को जो है, अपना लोक वर्षा जो है, अपना मज़हब जो है, हमारी तहजीब जो है, अपनी सकाफत जो है, उसको महफूज रखा जाना चाहिए, और उन मस्जिदों की ख़ास तौर पर हिफाजत की जानी चाहिए जो कि किसी तारीख का हिस्सा हैं। और मोहम्मद बिन कासिम जैसी शख्सियत अगर वो आई है और किसी जगह उसने मस्जिद तामीर की है, तो वो उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। अब टेलीविज़न पर प्रोग्राम होने के बावजूद भी मुझे 99% तो यही उम्मीद है कि उसके बाद भी कोई शख्स वहाँ नहीं गया होगा। एग्जैक्टली, वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की गई थी और उनमें से एक तो मौजूद ही नहीं थे, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो एलैबोरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने कह दिया, बहुत बड़ा अदारा, हमारे यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का बजट मौजूद होता है और ऐसे कामों के लिए, उसके लिए, लेकिन यह है कि कौन करे, हमें और बहुत आफाकी मसाइल हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात ये भी आपको बता दूं सर कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी ममालिक में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं। बस इस पे ना ही बात करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, तो क्योंकि मैं मस्जिदों के हक में ज़रूर हूँ लेकिन मैं नाजायज़ मस्जिदों के हक में नहीं हूँ, तो इसलिए बेहतर यह है कि खामोशी रहे आदमी, कल को मुझ पे कोई फतवा लगा हुआ। सही। अच्छा सर, नेक्स्ट हमारे पास आप कुछ है आज के सेकंड? जी, आज के हवाले से 24 मुहर्रम है आज, और मामून रशीद जो है वो खलीफा बना आज के दिन। खुलफा बनू अब्बास में जो खुलफा अपनी इल्म दोस्ती की बायस मुमताज़ हुए उनमें मामून रशीद का नाम सरे फहरिस्त है। वो 24 मुहर्रम अलहराम 198 हिजरी बमुताबक 24 सितंबर 1813 ईस्वी को तख्त खिलाफत पर मतमक्कन हुआ था। जिस रात मामून रशीद ने इस दुनिया में कदम रखा वो भी बड़ी तारीखी रात थी। उस रात एक अब्बासी खलीफा हादी फौत हुआ था, एक अब्बासी खलीफा हारून रशीद तख्त नशीन हुआ और एक अब्बासी खलीफा मामून रशीद पैदा हुआ। मामून रशीद बचपन ही से बहुत ज़हीन और इल्म व फ़नून का दिलदादा था। उसने दीनी उलूम की तालीम इमाम मालिक से हासिल की और जल्द ही उलूम की तमाम शाखों पर हावी हो गया। उसके बाप हारून रशीद के 12 बेटे थे। जब हारून रशीद का इंतकाल हुआ तो अमीन रशीद जो मलका ज़ुबैदा का बेटा था तख्त नशीन हुआ, जिस पर मामून रशीद और अमीन रशीद के दरमियान एक जंग का आगाज़ हो गया जिसमें बिल आखिर मामून फतेह याब हुआ और वो 24 मुहर्रम अलहराम 198 हिजरी बमुताबक 24 सितंबर 1813 को ख़ानदान अब्बासिया का 7वां खलीफा बन गया। सही। इसे इब्तदा में मुख्तलिफ शूरशों और बगावतों का सामना करना पड़ा मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने सूरत हाल पर काबू पा लिया और उसकी हुकूमत खुश असलूबी से चलने लगी। मामून रशीद का अहद बनू अब्बास का अहद जर्री कहलाता है। इस अहद में एक जानब तो फतवात के ज़रिए इस्लाम का दायरा जो था वो वसी होता गया और दूसरी जानब उलूम व फ़नून को बड़ी तरक्की मिली। मामून रशीद के अहद में अकलीदस का पहला अरबी तर्जमा हुआ। उसने बगदाद और कई दूसरे मकामात पर रसदगाहें तामीर की और इल्म फलकियात को अरूज पर पहुँचाया। इसके अलावा उसने एक दारुल हिकमा कायम किया जिसके तहत अदब, साइंस और फ़लसफे की किताबों का यूनानी, अरबी, सरियानी, फ़ारसी और संस्कृत ज़बानों में तर्जमा किया गया। याकूब बिन इसहाक कंदी और अबू मूसा ख्वारज़्मी जैसे मशहूर उलमा का ताल्लुक भी मामून रशीद के अहद ही से है। इल्म व फ़ज़ल के बावजूद मज़हब के सिलसिले में मामून रशीद ने बाज़ ऐसे इकदामात किए जिन पर आज तक तनकीद का सिलसिला जारी है। मसलन एक तरफ तो उसने इमाम अली रज़ा को अपना वली अहद बनाया और दूसरी जानब उन्हें जहर देकर शहीद करने के जुर्म का इर्तकाब भी किया। फिर उम्र के आखिरी हिस्से में उसने फ़िरका मोतज़िला के अकायद अख्तियार किए और उनकी हमायत में बाज़ उलमा इस्लाम को अताब का निशाना भी बनाया। मामून रशीद ने फ़कत
48 वर्ष उम्र पाई और 9 अगस्त 833 को वफात पाई। उस वक्त वो यूनानियों के खिलाफ तरतूस के मकाम पर एक मुहिम में मुसलमानों की क़यादत कर रहा था। उसकी वसीयत के मुताबिक उसके बाद उसका छोटा भाई मोतसिम बिल्ला उसका जानशीन बना दिया गया। आज है 24 मुहर्रम और मामून रशीद बनु अब्बास का जो खलीफा थे वो आज तख्त खिलाफत पर मुतमक्कन हुआ। यहीं पर हमारे आज सेगमेंट का इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच सर। और आज की दोनों शख्सियात जो कि आज सेगमेंट में आप लेकर आए, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त थीं।